औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में कई नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई, जिसके कारण हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। इससे बेरोजगारी की समस्या तो दूर हुई, किंतु श्रमिकों के आए दिन चोट, विकलांगता और मृत्यु का सामना करना पड़ता था, तथा उस समय ड्यूटी के दौरान कार्य करते समय दुर्घटना के फलस्वरूप चोट, निशक्तता और मृत्यु के संबंध में मालिक द्वारा हर्जाने की राशि के भुगतान के संबंध में कोई अधिनियम प्रचलित नहीं था। इसी कारण श्रमिकों को इस स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1923 में यह अधिनियम लाया गया था, जो कि 1 जुलाई 1924 में लागू हुआ, और RBI नंबर 61/2011 द्वारा इसे संशोधित कर वर्तमान में इसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2009 के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे कर्मकार प्रतिकार अधिनियम भी कहते हैं। तो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 2009 के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ आनंद केवट। चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य: कुछ रोजगार में मालिकों द्वारा श्रमिकों के रोजगार के सिलसिले में तथा रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के कारण निशक्तता और मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान सुनिश्चित करना ही इस अधिनियम का उद्देश्य है। अब यह किस पर लागू होता है? रेलवे में यह अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो रेल के संचालन एवं मरम्मत कार्य से संबंधित हों। इसके अलावा यह नियम मंडल, उपमंडल और मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होता है। इसके कुछ प्रावधान या प्रोविजन समझ लेते हैं। जब रोजगार या ड्यूटी के दौरान तथा मृत्यु के समय कार्य करते समय दुर्घटना के फलस्वरूप हुई निशक्तता या मृत्यु के संबंध में मालिक, श्रमिक या उसके परिजनों को क्षतिपूर्ति की राशि या मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान के लिए मालिक या प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। इन परिस्थितियों को छोड़कर जिम्मेदारी होगी मालिक की। पहली पहली परिस्थिति है कर्मचारी का नशे की हालत में होना, संरक्षा के नियमों की अवहेलना करना, या फिर सुरक्षा उपकरणों का कर्मचारियों द्वारा उपयोग न करना या जानबूझकर उसकी अवहेलना करना। किंतु जब दुर्घटना के फलस्वरूप कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसके परिजनों को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान के लिए मालिक अथवा प्रशासन जिम्मेदार होगा। यदि कर्मचारी ड्यूटी, रोजगार की वजह से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, तो उसे ड्यूटी पर घायल मानते हुए क्षतिपूर्ति की राशि या मुआवजा एक्स ग्रेशिया का भुगतान किया जाए। हर्जाने की जिम्मेदारी देख लेते हैं कि हर्जाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इस कानून के अधीन हर्जाने की जिम्मेदारी तब बनती है जब किसी श्रमिक को दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट लगे और वह दुर्घटना उसके रोजगार के सिलसिले में और रोजगार के दौरान हुई हो। रेल प्रशासन के हर्जाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी यदि चोट से अशक्तता या डिसेबिलिटी पैदा हो, वह पूरी न हो, और अगर आंशिक हो तो 3 दिन से कम की हो। अगर 3 दिन से कम की डिसेबिलिटी होती है तो जिम्मेदारी रेल प्रशासन की नहीं होगी। दूसरा है, चोट का कारण सीधे तौर पर श्रमिक के शराब या नशीली दवा के असर से हो, या श्रमिक के संरक्षा नियमों के उल्लंघन की वजह से हो, या संरक्षा उपकरण हटाने या उसकी अवहेलना करने की वजह से हो। किंतु अगर परिस्थितियों में श्रमिक की मौत हो जाए तो हर्जाने की जिम्मेदारी बनी रहेगी। दुर्घटना से हुई चोट के जिम्मेदार रेल प्रशासन की है या नहीं, इसे तय करने के लिए यह समझना और निर्णय करना जरूरी है कि वह रोजगार के सिलसिले में और उसके दौरान हुई थी या नहीं। कानून के अधीन ठेकेदार के श्रमिकों के लिए रेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। भुगतान के बाद ठेकेदार से यह धन वसूल किया जा सकता है। इस कानून के तहत निम्नलिखित आगे दिए गए 4 प्रमुख अनुसूचियां विहित की गई हैं, जिसके आधार पर हर्जाने का निर्णय लेकर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। अनुसूची 1, शेड्यूल 1, इसमें उन चोटों का विवरण प्रदर्शित किया गया है जिनका परिणाम अशक्तता होता है, और यह 2 भागों में होती है। अनुसूचित 2, इसमें श्रमिक की परिभाषा में आने वाले कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित की गई है, अर्थात इस कानून के तहत उन्हीं कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति अनुमेय होगी जो इसमें श्रमिक के रूप में परिभाषित किए गए हों।
रेलवे के लिए उदाहरण कारखाने में तकनीकी कर्मचारी, ड्राइवर, गैंगमैन, मरम्मत और रखरखाव के काम में लगे कर्मचारी, बिजली फिटिंग, नवीनीकरण के काम में लगे कर्मचारी, टेलीफोन तार इत्यादि में तकनीकी रूप में लगे कर्मचारी ही इसमें शामिल हैं। अनुसूची 3 देख लेते हैं, व्यावसायिक बीमारियों की सूची। इसमें प्रत्येक उद्योग में संभावित बीमारियों का उल्लेख किया गया है, अर्थात जो कर्मचारी विशिष्ट रूप से कार्य दशाओं के कारण यदि उल्लिखित बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसे इस कानून के तहत क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है। सूची नंबर 4 में देखते हैं, इसमें मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता पर दी जाने वाली हर्जाने की राशि की गणना के लिए आयु, वर्ग और फैक्टर का वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना की जाती है। अब अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो दुर्घटना के कारण क्या होगा, या तो डिसेबिलिटी हो जाएगी या फिर डेथ हो जाएगी। तो दुर्घटना को यहाँ पर हम 2 भागों में बांटते हैं, निशक्तता और डिसेबिलिटी। अब जो डिसेबिलिटी हुई या तो पूर्ण होगी या फिर पार्शली होगी, तो पूर्ण निशक्तता और आंशिक निशक्तता। अब जो आंशिक हुई है वो अस्थायी हो सकती है या फिर स्थायी हो सकती है। इस प्रकार दुर्घटना के ये परिणाम दिए गए हैं। अब निशक्तता या डिसेबिलिटी, जब कर्मचारी दुर्घटना के फलस्वरूप आमदनी कमाने की दुर्घटना से पहले वाली क्षमता खो देता है तो उसे विकलांगता या निशक्तता कहते हैं या डिसेबिलिटी कहते हैं। पूर्ण मतलब कम्प्लीटली, जब कर्मचारी दुर्घटना के फलस्वरूप कमाने की क्षमता 100% खो देता है तो उसे पूर्ण निशक्तता कहते हैं। आंशिक मतलब पार्शल डिसेबिलिटी, जब कर्मचारी दुर्घटना के फलस्वरूप कमाने की क्षमता 100% से कम खो देता है तो उसे आंशिक निशक्तता कहते हैं। स्थायी निशक्तता परमानेंट डिसेबिलिटी, जब कर्मचारी दुर्घटना के फलस्वरूप कमाने की क्षमता पूरी तरह और हमेशा के लिए खो देता है तो उसे स्थायी निशक्तता कहते हैं या परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं। वहीं अस्थायी निशक्तता टेम्पररी डिसेबिलिटी, जब कर्मचारी दुर्घटना के फलस्वरूप कमाने की क्षमता कुछ समय जो कि है न्यूनतम 3 दिन के लिए खो देता है तो उसे अस्थायी निशक्तता कहते हैं। अब क्षतिपूर्ति की राशि जो अमाउंट जो दिया जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। मृत्यु के मामले में पहली कंडीशन होगी कि मृत्यु हो गई, दूसरी होगी कि स्थायी पूर्ण परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है उस कंडीशन में। तो मृत्यु के मामले में यदि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो कर्मकार के मासिक वेतन का 50% आयु गुणक या ₹1,20,000 जो भी अधिक हो का भुगतान किया जाएगा। औसत वेतन अधिकतम 15,000 होता है। मासिक फार्मूला दिया हुआ है इसका, मासिक वेतन इन मल्टीप्लाई विथ 50% इंटू आयु गुणक, या इसका जो भी इक्वल आएगा वो, या फिर न्यूनतम 1,20,000 जो भी अधिक हो, एवं इसका मैक्सिमम लिमिट भी दी हुई है वो है 10,00,000 रुपये। अस्थायी पूर्ण अशक्तता परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के प्रकरण में देख लेते हैं। यदि किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में के फलस्वरूप स्थायी पूर्ण अशक्तता मतलब कि जो उपार्जन क्षमता में 100% की कमी हो जाती है तो कर्मचारी के औसत मासिक वेतन का 60% आयु गुणक या ₹1,40,000 दोनों में से जो भी अधिक हो का भुगतान किया जाता है। मासिक वेतन मल्टीप्लाई विथ 60% इंटू आयु गुणक जो भी अमाउंट आएगा वो, या फिर न्यूनतम 1,40,000 जो भी अधिक हो वो दिया जाएगा, एवं इसकी अधिकतम सीमा है वो है 10,00,000 रुपये। अब स्थायी आंशिक परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के प्रकरण में, यदि किसी कर्मचारी के कार्य के दौरान घटित दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी आंशिक अशक्तता होती है तो अनुसूची 1 के भाग 2 में दर्शाई गई अर्जन क्षमता की में कमी के प्रतिशत के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यदि दुर्घटना के दौरान कई चोटें आई हों तो सभी प्रकार की चोटों को मिलाकर 100% से अधिक कमी का प्रतिशत नहीं माना जाता है। क्षति के प्रतिशत का आकलन संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। मासिक वेतन मल्टीप्लाई विथ 60% इंटू आयु गुणक इंटू क्षति का प्रतिशत, इस प्रकार जो अमाउंट आएगा वो रहेगा परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के प्रकरण में। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, वो है कि क्षतिपूर्ति राशि नंबर 1 है, क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए कर्मचारी को लगी चोट निशक्तता 3 दिन से अधिक समय रहनी चाहिए। 3 दिन से कम समय में अगर कर्मचारी ठीक हो जाता है तो उसे नहीं माना जाएगा।
जहां किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 या उससे अधिक हो तो क्षतिपूर्ति की राशि की गणना हेतु औसत मासिक वेतन 15,000 रुपये ही लिया जाएगा। मतलब इसकी जो अपर लिमिट जो सीमा है वो है 15,000 रुपये। अर्धमासिक वेतन का भुगतान, इलाज के दौरान कर्मचारी को 15-15 दिन के लिए अर्धमासिक वेतन का भुगतान किया जाता है, अर्थात वेतन का 25%। यह अग्रिम स्वरूप का वेतन होगा और इसका भुगतान अधिकतम 5 वर्षों तक किया जा सकता है। हर्जाने का भुगतान, कानून के अनुसार हर्जाने का भुगतान कमिश्नर के जरिए किया जाता है। ये कमिश्नर बंगाल और असम में न्यायाधीश होते हैं और अन्य राज्यों में श्रम अधिकारी। इनकी नियुक्ति कानून के अनुसार की जाती है। भुगतान की रकम कितनी होगी, भुगतान किस प्रकार किया जाएगा और किसको कितनी रकम दी जाएगी आदि सवालों का निपटारा कमिश्नर ही करते हैं। रेलवे स्थापना नियमावली में इस बारे में हिदायतें दी गई है जिनका पालन करना चाहिए। कमिश्नर के निर्णय पर हाईकोर्ट को अपील होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कमिश्नर के निर्णय पर कहाँ अपील की जा सकती है, तो हाईकोर्ट में। मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति राशि के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है इस अधिनियम में। पहला है एसी मैसेज, दूसरा है दुर्घटना की रिपोर्ट, तीसरा प्रत्यक्षदर्शी के बयान, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पाँचवा है दुर्घटना स्थल का रेखाचित्र, कर्मचारी का बायोडाटा, सातवां है पुलिस पंचनामा, आठवां है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वहीं नौवां है 12 माह की प्राप्तियां, मतलब जो वेतन दिया गया उसका विवरण, 10वां है मृत्यु प्रमाण पत्र, 11वां है परिवार के सदस्यों का विवरण और 12वां है विभागीय अधिकारी की जांच रिपोर्ट। जुर्माना, अवहेलना करने पर मालिक को 500 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। समय से जुर्माने की राशि जमा करवानी होगी। श्रम आयुक्त कार्यालय में राशि समय पर जमा नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की कुल राशि के 50% के बराबर राशि तक जुर्माना किया जा सकता है। इस नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यदि किसी कर्मचारी पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट लागू होता है तो इस छुट्टी के दौरान मिलने वाला वेतन क्षतिपूर्ति राशि से घटा दिया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को कार्य संबंधी बीमारी एवं चोट जो छुट्टी वर्क WRIL के थ्रू होती है देय होगी, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव के देय होगी। हर्जाने की रकम मजदूरी भुगतान कानून के अधीन मेहनताने में शामिल नहीं होती है। अर्धमासिक भुगतान या एक मुश्त भुगतान से भविष्य निधि की वसूली नहीं की जा सकती है। WRIL के वेतन से यह वसूली कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई, नोटिस बुक को निर्धारित नियमों के अनुसार रखना चाहिए। कमिश्नर को घटना के 7 दिनों के अंदर सूचना देना, उसके पास आवश्यक विवरण देना, हर्जाने की रकम 1 महीने के अंदर जमा कराना आदि जरूरी होता है। एक वार्षिक विवरण मुख्यालय के तौर पर तैयार किया जाता है जिसे कमिश्नर के पास भेजना होता है और सभी रिपोर्टों की नकल भुगतान मुख्यालय जनरल मैनेजर के पास भेजना चाहिए। चोट लगने पर सुपरवाइजर के कर्तव्य देख लेते हैं। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, डॉक्टर को बुलाना। 3, सभी संबंधित अधिकारी और लेखा अधिकारी को 48 घंटे के भीतर सूचना देना, जहाँ तक संभव हो 2 गवाहों के बयान लिखवा लेना। दुर्घटना की 1 रिपोर्ट तैयार करना जिसमें उस जगह का डायग्राम दिया गया हो। चोट की डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करना, कर्मचारी के पिछले 12 महीने में छुट्टी ली गई हो उसका विवरण देना, मजदूरी के नकद की गणना एकत्र करना, दुर्घटना की जाँच के निष्कर्ष का पता लगाना। अनुग्रह राशि का भुगतान, एक्स ग्रेसिया पेमेंट के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेल कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा या परिवार के दूसरे योग्य आश्रितों को अनुग्रह राशि 1/1/2016 से लागू है जो का एक मुश्त भुगतान किया जाता है जो कि आगे दिया गया है। रेलवे की ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दुर्घटना के समय में मृत्यु अगर हो जाए तो 25 लाख रुपये। रेलवे की ड्यूटी के दौरान आतंकवादी या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु हो जाए तो भी 25 लाख रुपये है। वहीं अगर पड़ोसी देश से लड़ाई या देश की सीमा पर मुठभेड़ हो या युद्ध के दौरान आतंकी हमला हो या उग्रवादी हमले के कारण मृत्यु हो जाए तो उसको 35 लाख रुपये है। वहीं अगर सीमा पर दुश्मन चौकियों पर द्वारा हमला हो, प्राकृतिक आपदा या अत्यंत खराब मौसम के कारण कार्य करते समय अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 45 लाख रुपए दिया जाता है।
अब इसमें एक आरबी का 2016 में एक नया लेटर आया था, उसको देख लेते हैं। आरबी 139/2016 का, उपरोक्त मामलों में अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के लिए महाप्रबंधक जीएम सक्षम अधिकारी होंगे तथा उनका भुगतान 3 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है। अनुग्रह राशि का भुगतान ईसीएस या रेखांकित चेक के माध्यम से किया जाएगा। यह राशि आयकर की गणना से मुक्त होगी, इनकम टैक्स नहीं देना होगा इसमें। दावे का प्रस्ताव प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइज़र को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ में विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित करके भेजा जाएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दूसरा हो जाएगा मृत्यु की सूचना। तीसरा हो जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो ये था दोस्तों एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट, कर्मकार प्रतिकर योजना, प्रतिकर कानून। तो यहाँ पर अधिनियम 2007, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 2009। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।